आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो वेरियस पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन फाइट करने जा रही है या इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही है, लोकसभा इलेक्शन जो अभी रिसेंटली होने जा रहे हैं 2019 में इस साल में, तो उनके जो वेरियस पार्टीज़ के मैनिफेस्टो जो रिलीज़ किए गए उसमें क्या जीएसटी, अगर वो पार्टीज़ पावर में आती हैं तो उन जीएसटी में क्या चेंजेस करने के लिए उन्हें मैनिफेस्टो में अपने जो प्लान्स हैं वो डिसाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले जो एनडीए गवर्नमेंट है जिसने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था 1 जुलाई 2017 को सीएडी के ऊपर, तो सिंस 1 जुलाई से लेके आज तक इसमें अप्रोक्सीमेटली 500 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स एक्ट, लेकिन फिर भी ये स्ट्रगल फेस कर रहा है ड्यू टू जो कि कॉम्प्लेक्सिटी है जो इस एक्ट के अंदर। सो देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जीएसटी में क्या फर्दर चेंजेस रिकमेंड किए हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर जीएसटी बीजेपी पावर में दोबारा आती है तो जो फिजिकल प्रूडेंस है यानी कि जो बजट्स में जो टारगेट दिए गए जीएसटी के रेवेन्यू को लेकर उसको ध्यान में रखते हुए फर्दर जो लोअर टैक्स फर्दर रेट्स ऑफ जीएसटी है उनको कम करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर अरुण जेटली ने भी अनाउंस किया है कि हम एनडीए की गवर्नमेंट ने जो कंजम्पशन आइटम्स हैं उनके जो जीएसटी रेट था 28% उसको घटा के या तो 12% कर दिया गया या फिर 18% कर दिया गया, और जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा जीएसटी काउंसिल का वो होगा जो जो सीमेंट पे जो जीएसटी रेट है उसको कम से कम किया जाए। नेक्स्ट जो पार्टी आती है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो मेजर अपोनेंट है बीजेपी के लिए उसमें राहुल गांधी के जो मेजर लीडर हैं उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स इसको जीएसटी को कहा था, और जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसमें 14 चेंजेस को प्रपोज किया था कि हम इसमें 14 चेंजेस करना चाहेंगे तभी ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो सकेगा और बेनिफिट दे सकेगा पूरे इंडिया को। सो पहला जो मैनिफेस्टो में जो चेंज डाला गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आती है तो सिर्फ एक स्लैब रहेगा यानी कि या तो 18% या 12% जो अभी डिसाइडेड नहीं है, तो एक ही रेट ऑफ टैक्स रखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, और जो भी एसेंशियल आइटम्स है लाइक फूड्स ड्रग्स वगैरह उनको जीएसटी के बाहर रखा जाएगा यानी कि नील रेटेड या जीरो रेटेड सप्लाई रखा जाएगा। और जो सेकंड नंबर चेंजेस जो चेंज जो कांग्रेस गवर्नमेंट करना चाहती है कि ई वे बिल को हटाना चाहती है जो हिंट दे रहा कि जो चेक पोस्ट होती है जो पहले चेक पोस्ट होती थी वो स्टेट्स के बॉर्डर पर उसको वापस लाया जाएगा अगर कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आएगी। तो नेक्स्ट जो पार्टी आती है कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए 5% जीएसटी का रेट कर देना चाहिए, और जो वर्कर हैं जीएसटी के अंदर उनको जीएसटी के एम्बिट से बाहर कर देना चाहिए, उनके लिए कोई भी जीएसटी नहीं होना चाहिए, और जीएसटी फाइलिंग प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाइड कर देना चाहिए, और एमएसएमई को प्रेफरेंस देनी चाहिए प्रायोरिटी देनी चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ जीएसटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रपोज चेंजेस इन द जीएसटी विच आर गिवन बाई वेरियस पोलिटिकल पार्टी इन देयर मैनिफेस्टो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।